सीएम योगी और संघ के प्रमुख भागवत की हुई प्रयागराज में मुलाकात। सीएम योगी और भागवत की मुलाकात में कई मुद्दों पर हुई बात। सीएम योगी की इस मुलाकात से विपक्षी और दुश्मन आए सदमे में। क्या योगी आरएसएस के साथ मिलकर यूपी में कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही लागू होने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव के लिए आरएसएस के साथ बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है? जनसंख्या नियंत्रण से मुसलमानों का वोट मीटर हिलेगा? क्या देश में फिर से कमल खिलेगा? उत्तर प्रदेश बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश। जी, कल का दिन यूपी के लिए बेहद खास था। दो ऐसे दिग्गज शख्सियत की मुलाकात एक दूसरे से हुई, जिसकी मुलाकात में कई बड़े कयास निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं इस मुलाकात के बाद विपक्ष और कई दुश्मन सदमे में आ गए हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात है जो इन दो दिग्गजों के बीच, वो भी एक बंद कमरे में, एक घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। वहीं कुछ लोगों ने कयास लगाने और इस तरह की बात करनी शुरू कर दी है कि मुलाकात में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बात हुई है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की तैयारियों पर भी एक बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली तौर पर कोई खबर ऐसी नहीं आई है जो इन मुद्दों को हवा दे। वहीं योगी और आरएसएस के प्रमुख के बीच में अगर इन दो मुद्दों पर बात हुई है तो ये समझ लीजिए कि यूपी में योगी कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मिलकर, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटों पर एक बहुत बड़ा फर्क भी डालेगा। देश के दो दिग्गज हस्तियों की मुलाकात एक बंद कमरे में हुई, विपक्षियों के माथे पर पसीना आया। सीएम योगी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से कल मुलाकात की। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर करीब 12:45 पर आरएसएस संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के बैठक स्थल गोहनिया में पहुंचा, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 9 दिन से ठहरे हुए हैं। सीएम योगी यहां करीब 1.25 घंटे तक रहे और दोपहर 2 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर हुई चर्चा। सूत्रों ने बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी के बीच जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन और धर्मांतरण के मुद्दे पर देर तक चर्चा हुई। वही जनसंख्या नियंत्रण नीति पर विस्तार से जो चर्चा हुई है, इसको लेकर एक और बात सामने निकल कर आई है कि कानून बनाने और इसे सख्ती से लागू करने को लेकर बहुत जल्द कुछ बड़ा कदम योगी उठाने वाले हैं। वही माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी नीति में संघ के इस एजेंडे की एक झलक भी देखी जा सकती है। वही आपको बता दें कि दोपहर में हुई इस मुलाकात में भागवत और योगी आदित्यनाथ ने एक साथ भोजन भी किया। इस दौरान संघ के बड़े पदाधिकारियों के अलावा सह संघ की कार्यवाही दत्तात्रेय होसबले भी मौजूद रहे। सबसे पहले सीएम योगी का हेलीकॉप्टर सीधे संघ के कार्यक्रम स्थल जयपुरिया स्कूल वात्सल्य परिसर गोहनिया पहुंचा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम भी देखने को मिला। आपको बता दें कि स्कूल से 500 मीटर दूर ही सबको रोक दिया गया था। योगी की सुरक्षा में आरएएफ और स्थानीय पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार कार्यवाही दत्तात्रेय होसबले समेत आरएसएस के कई बड़े प्रमुख अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वही योगी ने कार्यक्रम के अंत में अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में आरएसएस के सभी पदाधिकारियों को औपचारिक तौर पर एक न्योता भी दिया। और इस बार आपको बता दें कि 17 लाख दियों से पूरी अयोध्या सज रही है, जिसमें दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून, देश का बन जाएगा पहला राज्य। संघ प्रमुख और सीएम योगी के बीच जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर जिस तरह से बातचीत हुई है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ठोस पहल करेगा। वहीं सीएम योगी ने प्रयागराज के अफसरों को डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर फटकार भी लगाई और सतर्कता बरतने को भी निर्देश दिए। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि डेंगू को लेकर किसी तरह की लापरवाही हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो संघ प्रमुख और योगी के इस मुलाकात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सोच रखते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि यूपी में ये जनसंख्या नियंत्रण लागू होना चाहिए? अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।